Agla Boys Challenge. Yeah, come on! एक और अपॉर्चुनिटी समंदर पार करने की. Yes. Divide yourselves into team of three players each. And meet us for our next challenge. Love, Sunny. We love you. मुझे विला को पता था कि मैं और सोहेल 110% साथ में खेलेंगे, तो हम तो डिवाइड होने से रहे. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक और थॉट था कि हमारे साथ थर्ड पार्टनर होगा कौन. सब क्लैरिटी मिल गया भाई, हम साथ में खेलने जो होगा देखा जाएगा, साथ में खेलेंगे. और जीतेगे भाई, उससे बात करोगे तो लास्ट टाइम जो हुआ था वही हो जाएगा. उसने जितनी बार फ्लिप मारा है ना इस बारी, उतना फ्लिप तो पूरे सीजन में किसी नहीं मारा आज तक. हम नौ थोड़ी है, आठ ही तो प्लेयर हैं. आठ ही तो प्लेयर हैं, कैसे बांटोगे? ये तो दिक्कत होगी भाई. अभी भी सोच ले, सही बंदे को पिच करियो. मैं हो गया था श्योर कि मैं इन दोनों के साथ अभी ये गेम आगे खेलने वाला हूँ, एंड इन सभी के मुंह पे वो चाटा जरूर पड़ेगा. बिकॉज आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये टास्क में जीत कर ही रहूंगा. ये गेम हम तीनों खेलेंगे साथ में तो हम 90% जीतेंगे. 99. ये बंदे ने टास्क परफॉर्म किया, जीता है. मैंने परफॉर्म किया, मैं जीता है. अब अपन तीनों साथ में परफॉर्म करेंगे, अपन जीतेंगे. ये मेरा पर्सनल आउट. ऑनेस्टली परफॉर्मेंस वाइज आई फील जोशुआ इज वीक. भले वो मेरा फ्रेंड है बट मैं उसके लिए रिस्क नहीं कर सकता था कोई भी टास्क हारना. एंड आई पार्टनर्ड अप विद कशिश एंड हनी. हमने देखा कि वहाँ पे सनी अर्जुन हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, एंड जो चैलेंज दिख रहा था वो दिखने में बहुत ही डिफरेंट लग रहा था. वेलकम टू MTV Splitsvilla 14, co-powered by Wildstone, Deos and Perfumes. ये है आपका अगला बॉयज चैलेंज. ऋषभ, कल क्या हुआ? एक्चुअली हमारी थोड़ी बहस हो गई थी हनी भाई के साथ. ऐसा है ना कि स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से मेरे सारे ही फ्रेंड्स थे, सो उस चीज को ये लोग मैं बार बार थोपते रहे दैट आई फ्लिप. इसका स्टार्टिंग से गेम ये रहा है कि इधर जाता है बोलता है यू आर माय प्रायोरिटी, हनी को डंप करते हैं, हामिद पे जाता है, हामिद को कहता है हनी माय प्रायोरिटी, इस पे जाता है कहता है अरे इनको भी पूछ लो भाई, वो जहां बैठता है हमेशा वैसे ही करता है. झूठ कितना बोल लो कोई टेंशन नहीं है. तेरे और ध्रुविन में कोई फर्क नहीं है, बस शक्ल के अलावा और बालों के अलावा. भाई ऋषभ का जो है मतलब वो दोगलापन मेरे को भी देखा. उधर करेंगे ना उधर करेंगे डायरेक्ट घर. आगाज, मैंने सुना दैट एक लॉकेट मिसिंग है आइल मार्स में. हाँ, काफी शॉकिंग थी वो चीज. मुझे लगा था चीज बाहर नहीं आएगी और मैं चुपके से सब कुछ कर लूंगा, मगर ये चीज बाहर आ गई. ये सच है? ये सच है. कैसे? ये तो मैंने बहुत ही छुपके से सोहेल को एक रात पहले दिया था. मुझे मौका नहीं मिला था डंपिंग में जाने का, तो मैंने सोचा तो एटलीस्ट मैं अपनी कोई निशानी उस तक भेज दूं. What do you know about Aradhana? Vibe सेम है, मैंने सुना ऐसा तो मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया. और ऑलरेडी बिना देखे हुए वो इतना इम्पैक्टफुल हो गया है तो मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ. लेकिन मिलोगे कब पता है? जब टास्क जीतोगे. अगर आइलैंड फ्लिंग पे जाना है then what do we need? Roses. Not just one rose or two this time. You need a bouquet of roses. Oh. आज का चैलेंज का नाम है bouquet of love. हमें हर एक डिफरेंट स्टेज पार करना होगा ताकि हम वो बुके फाइनली पूरा बना पाए. आर यू गाइस रेडी? यस. कशिश को गिराने के लिए ड्रम्स पे से जोशुआ और आमिर थे, मुझे ब्लॉक करने के लिए हामिद था,
एंड मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि ऑफ कोर्स हामिद इज अ बिग गाय, मुझे पता था कि ये पार्ट मैं स्ट्रेंथ से नहीं दिमाग से करूंगा. 3, 2, 1. Go. Jason, जगह बार बार बार. अरे बहुत बढ़िया. अरे बहुत बढ़िया. चल चल चल. Justin, Justin, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगर जस्टिन को मैं एक मिनट तक रोक लेता हूँ तो उनका एक मिनट वेस्ट हो जाएगा. कहीं ना कहीं वहीं पे मुझे लगा कि यहीं पे गेम चेंज हो सकती है. जस्टिन ने सीधा टैकल करा हामिद को और उसने सीधा डॉज करा और फटाक से आगे निकल गया. मैंने क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ उसको इजीली ट्रिक करके आगे चला गया. उसके बाद मैं झट से रोज पिट में गया. मैंने डांस करना शुरू किया थोड़ा फनी और रोजेस देने लगा हनी को. जस्टिन जस्टिन निकल निकल मुंह से निकल. ओह या आई लाइक इट. ओह माय गॉश. जोशुआ और आमिर पूरा ट्राई कर रहे थे मुझको गिराने के लिए बट मेरे लेग्स लॉक थे. मेरी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है. I'll make sure कि जस्टिन एंड हनी मैक्स टू मैक्स रोजेस कलेक्ट कर पाए एंड वो हार्ट पे मार पाए. Come on, honey. Good job. कुछ भी करके भाई कशिश को ड्रम से गिराओ नहीं तो जस्टिन डांस करते करते रोज दे देगा. Come on, Kashish! Kashish! Very good! सही है, सही है. मेरे को लग रहा था कि हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ था कि कशिश को तो भाई गिराएंगे ही गिराएंगे. कोई भी आने दे, बेटो गिरो और निकलो. Come on! Faster, guys! Oh my goodness! He's holding on. He's Baba! Wow! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सनी को इम्प्रेस करो. फनी डांस करना है. फनी डांस. जस्टिन मूव दे रहा था भाई, मतलब एकदम स्टूडियोस वाला डांस करते करते सनी मैम की आंखों में देखते देखते. जस्टिन फ्लेक्सिबल इतना है कि झुक झुक के रोज दे रहा था. मैं एम पे एम कर ही जा रहा था एंड दूसरे टीमें कहीं ना कहीं हमें देख के थोड़ा सा नर्वस हो गई थी कि भाई ये बंदे रुक ही नहीं रहे. चलो चलो शाबाश शाबाश. चलो यार जोशुआ कम ऑन कम ऑन. जोशुआ हार नहीं मान रहा था, वो खींचा जा रहा था और आमिर वहां पे नरम पांव की तरह. चलो 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 ये ले पावर साथ में ले. आमिर तेरे मुंह पे लग रहा है तू हिला रहा है, हाथ तेरा हिल ही नहीं रहा है. सीधा आ जा इधर आ जा. वो तो मजे ले रहा है. जोशुआ और आमिर थक गए. अरे भाई गिर छिपकली के जैसा छिपका हुआ है, वो गिरना ही नहीं. Good job, Kashish. One, two. Good one, Kashish. Kashish, उसकी मेरे को literally चीखे आ रही थी, चीखे. उसके बाद भी वो बंदा अपना give up नहीं कर रहा था. You're awesome. Keep going, Kashish. Leg, leg, leg. होल्ड किया. मुंह संभाल, मुंह संभाल, मुंह संभाल कशिश. ड्रम ऊपर नीचे हो रहा है, उसको झटके पे झटके आ रहे, फिर भी वो बंदा वहां पे टिका हुआ ही था. रोजेस मार 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 मार, बहुत सारे रोजेस दिल पे बना दिए थे. हमें लग रहा था हमारा बुके बहुत ही ब्यूटीफुल बुके बहुत ही बड़ा बनेगा. Amir was as good as nothing there in that challenge. But I'm not a quitter. So I don't give up. Mere mein fighting spirit hai ki main kar sakta hu. Chalo chalo gir gaya shabash. Wait 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 wait. Woo! Gir gaya gir gaya gir gaya. Finally Kashish ek bari gira. I was like thank god. Ab udhar Justin Rose aage nahi de sakta. Kashish lagi to nahi. कशिश को काफी ज्यादा चोट लग गई थी. बैंड मत कर. ठीक है. काफी पेन में था वो, तो मुझे लगा चल अब तो ये गया, अब नहीं कर पाएगा. The time has not stopped, boys. टाइम चालू है, टाइम चालू है.
चालू है। ओए पकड़ के रख रहा, टाइम चालू है, पकड़ के रख। कोशिश कर रहे। उसके अंदर एक वो था कि भाई सात समुंदर जाना है मुझे पार लड़कियों से मिलने के लिए, और उसके अंदर एक जज्बा था। गो बहुत अच्छे आमिर, हनी ने रोज फेंक फेंक के मस्त बुके बना दिया था। अभी हमारे भी ऊपर नीचे हो रहा था कि भाई ये तो अच्छा टारगेट सेट कर रहा है यार, आगे क्या होगा। ये बंदा गिर रहा ही नहीं, पूरा एनर्जी खत्म हो गया था, लेकिन बोला भाई फिर भी ताश के हमको कुछ भी करके ये ताश जीतने का है। हमारी टीम ने एज अ टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। हनी ने भी इतने सारे रोजेस हार्ट पे लगा दिए थे कि आज हमारे इस मार्क के आसपास भी कोई नहीं जा पाएगा। जोशुआ और मेरा कनेक्शन पहले से था, और आमिर तो अभी तक किसी से मिला भी नहीं था, तो हमारे लिए ये था कि यार अपने लिए नहीं तो आमिर के लिए तो जीतना पड़ेगा। जोशुआ आर यू रेडी? यहाँ पर जोशुआ को हम लोग पटकने वाले में कौन है, मैं और आगास, और हामिद को पकड़ेगा भाई ऋषभ अपना पहलवान जंड एकदम। 3, 2, 1 गो। पकड़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड। हामिद को हिलने का मौका ही नहीं देता है ऋषभ भाई। ऋषभ ने जो ग्रिप पकड़ी थी मतलब, और उसके अंदर ना ये बोल रहा तुम आग जाग गई, मैं रोकूंगा। हक्का दे पैर, पैर हक्का दे, हक्के। गुड वन ऋषभ, दैट्स अ गुड ब्लॉक। मैं फर्स्ट डे से वेट कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। मेरा फुल फोकस था कि मैं हामिद को चाहे कुछ भी हो जाए इसके आगे नहीं जाने दूंगा। हामिद पलटा दे, पलटा दे। 30 सेकंड्स वेस्ट हो गए, 30 सेकंड्स बाकी है। आई वाज लाइक ये ऐसा ना हो कि मैं स्टेज पार ही ना कर पाऊं और हमारा भी एक मिनट वेस्ट हो जाए। बहुत बोला तेरे बारे में, पकड़ पकड़, मत छोड़, ग्रिप मत छोड़। है अभी नहीं, एक मिनट होएगा। यू आर आउट ऑफ द लाइन, स्टार्ट अगेन। ऋषभ का बॉडी वेट काफी ज्यादा था, बट मुझे जीतना ही जीतना था क्योंकि जीतने के बाद एडवांटेज एडवांटेज होते हैं। 15 सेकंड्स लेफ्ट, स्टार्ट अगेन। अभी हमारे बारी था फुल पैशन फुल पावर के साथ, क्या अभी फ्लावर आ जाएंगा, एक पे एक, एक पे एक दांत मारूंगा मैं। यू कैन स्टार्ट शेकिंग इट। He's off. जिस तरीके से वो बंदा बोलता है मैं परफॉर्मर हूँ, बॉडी वीडी कड़क करके बैठता है, भाई साहब ये क्या हो गया, 3 धक्के में जोशुआ गिर गया, ये तो गरीबी में आटा गिल्ला हो गया हमारा। समझ रहे हैं मुश्किल था। The time is still on, okay, Joshua? His hand is all cut up, so he's having trouble. एक रोप को होल्ड करना और रेजिस्ट करना जब दो लोग पुल करे वाज इम्पॉसिबल, पर आई वाज अप फॉर इट। 3, 2, 1 गो। He's holding on. Go faster. Come on, guys. See that? This is off. Stop. He's off. Stop. Pause. तो जोशुआ हर दूसरे तीसरे सेकंड में गिर रहा था। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था उस वक्त क्योंकि टास्क पूरा फिजिकल होने का ही था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत टीम हमने डिसाइड करी। I just knew कि मैं जितनी बार भी गिरूंगा आई विल कीप गेटिंग बैक अप एंड कीप गोइंग ऑन। देयर वोंट बी एनी पॉइंट इन दो 7 मिनट्स कि मैं क्विट करूंगा। 3, 2, 1 गो। पहले डार्ट पेट के मैं बस जोशुआ को इसके अंदर टिकने का है और मैं डार्ट पे डार्ट मारूंगा। रुक जा,
Stop. The time is still on, okay, Joshua? चल यार, शाबाश यार। जोशुआ के कारण हामिद और आमिर की जो मेहनत थी वो वेस्ट हो रही थी। कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो परफॉर्मर नहीं है इतना अच्छा। He proved me right. Come on, Josh, go for it. जोशुआ उठ। जोशुआ चल। अगर तुम एक चीज के लिए पैशनेट हो वो तुम दिल लगा के वो करते। जैसे आज कशिश का फेर छिल गया था फिर भी वो 7 महीने बेटा रहा। ये भैया तो मतलब बहाने पे बहाने कि मैं मैच से नहीं हो जाएगा। जोशुआ इट्स ऑल हियर रिमेंबर इट्स ऑल हियर। जोशुआ 5 मिनट्स आर अप। ओके 3 2 1 गो। मेक इट काउंट आमिर, मेक इट काउंट। गुड जॉब। मेरा सर घूम रहा था। माई बॉडी वॉज ब्रूज्ड। पानी भाई पूरे सीजन की सोच। इस प्ले करेगा ना भाई। एक मुंह पे एक सिप मारता ले। ठीक होगा। टाइम इज गोइंग जोशुआ। भाई ठीक है। बटर जैसा कर रहा था तब पापा की परी। उफ मेरे हाथ को ये होगा। उफ भाई तुम मर दे जंग कर। लर अपने टीम के लिए। देखो चैलेंज जीतने का या नहीं जीतने का है आज के दिन। लास्ट 20 सेकंड्स। मेक इट काउंट। 3 2 1 गो। आमिर अपने पार्ट पे काफी अच्छा था। जितने रोज मैंने उसको दिए उसने एम पे लगाए। कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ आ गया होगा कि आमिर इज अ परफॉर्मर टू। कम ऑन जोश, यू गॉट इट। द टाइम इज अप। बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुका था मैं तो जोशवा से। पूरा दिमाग घूम गया था मेरा वो बंदे के ऊपर। हमारे बुके में सिर्फ 4 रोज लगे हुए थे तो इतना तो समझ आ गया था कि भैया हमारा तो कट चुका है पत्ता। आज हम लड़कियों से मिलने नहीं जा रहे। Are you guys ready? Yes, ready? बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहा था मैं। हनी जो मुझे बहुत ज्यादा बोल रहा था, बकबक करना था, उसकी जबान पे मुझे ताला मारना था। 3 2 1 गो। आराम से। उस मोमेंट में मैंने उसे आंसर दे दिया था कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं एंड जो भोगते हैं वो काटते नहीं। बहुत बढ़िया कशिश। पढ़ते अभी चल खींचते। डोंट फॉरगेट टू डांस बिकॉज़ हामिद डिडंट गेट अ चांस टू डांस। ओह आई लाइक दैट। जो चैलेंज लोकेशन थी वहाँ पे हवा इतनी जोरों शोरों से चल रही थी। डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए वो चैलेंज। कुछ नहीं हो रहा उनसे। लकी नहीं रहा। होपलेस चल। भी होपलेस हो नहीं रहा है। चल ओहो पलट गया बस पलटा। बहुत बढ़िया। मैं बहुत ज्यादा ही इंजर्ड था बट मुझको ये था कि आज इसको गिराना है नीचे और अपनी टीम को जितवाना ही है। कभी होने में तो अगर झूठ ले गया पूरी गैंग ले गया। आ जा ले ले। लिटरली आगा पीछे से गाना गाना जलाने के लिए और हम लोग को मोटिवेट करने के लिए लोग और चार्जअप हो रहे और बिल्डअप हो रहे। गुड जॉब। यू गॉट द हैंग ऑफ इट नाउ सोहेल। इतनी जल्दी हो सका मैंने वो सुहेल को पास करी बिकॉज आगाज ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। बिकॉज किसी मोमेंट पे आगाज गिर सकता था उस ड्रम से और वहां पे टाइम स्टॉप हो सकता था। चल कशिश ने ऑलरेडी बार जो था बहुत ऊपर सेट कर दिया था बहुत कम गिर के और एक अलग ही मेरे ऊपर प्रेशर था क्योंकि सबको मुझसे ही ज्यादा उम्मीदें थी। ऋषभ जल्दी कर यार।
सोहेल ने जैसी रोजेज मारना शुरू किए मुझे ये तो समझ आ गया था कि भाई हम थर्ड ही है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फुल पावर, खींचो खींचो खींचो, लिटरली उसका पेट जो है ड्रम के ऊपर लग रहा था। आगाज वेरी गुड यार। कितना ज्यादा अंदर से मुझ में जोश आ गया था, मुझे मालूम था मैं यहाँ से गिर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये आखिरी मौका है, अगर आज हार गए तो बहुत नुकसान होने वाला है। 3 मिनट हो गए, तुम लोग अगर फास्ट नहीं करोगे तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाने देंगे। चल यार ले ना उसके मुंह से, वो डांस करता रहेगा यार। बिना बात के अड़ोगे, बिना बात के लड़ोगे तो घूसे लात यहाँ ना चल जाए। नाच रहा है पागल इधर ही करके नाच रहा है, लेकिन वो दांत में से रोज छोड़ ही नहीं रहा। होश को संभालो बे, जोश को जेब में डालो बे। बोले ना वो पहलवान की बुद्धि घुटने में होती है, वैसे उसका दिमाग घुटने में। नाचोगे तो बचोगे। अरे मुँह में ले, बाद में डांस शुरू कर। चलते रहेगा तो अपन हार जाएंगे यार। गुड वन आगाज, वेरी गुड यार, क्या जोश है यार। गया चक्कर आए, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था किसी भी तरह आगाज को उस ड्रम पे से नीचे गिराना, ताकि मैं उनको उतना टाइम ना दूं जितने टाइम में वो हमारे रोजेस को क्रॉस कर पाए। बहुत बढ़िया कशिश, कशिश जीत रहा। 3-2-1 एक साथ नहीं तो झूला बाप। स्टॉप 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 स्टॉप। फाइनली आगाज गिरा एंड आई वाज लाइक बूम, अब हुआ है स्टार्ट। अब मैं समझ गया था कि आगाज भी थक चुका है। 5 मिनट हो गए आगाज। चल यार 2 मिनट का गेम है, 2 मिनट पावर लगा दे अंदर से। चल एक साल हो गया, हो गया, हो गया। चला। अरे चल जस्टे। खींचना यार, मैं खींचता। जस्टे। आखिरी तो से। चल खींचेगा। जस्टिन गालियां दे दे के खींच रहा था उस रस्सी को। मेरे दिमाग में बात बहुत क्लियर थी कि अगर आज मैं जीतता हूँ तो मैं इन सब की तरीके से, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं पूरा गुस्सा निकाल लेते। चल उठ, एक रोज से भी फर्क पड़ जाएगा रिजल्ट में। चलो कम ऑन ऋषभ। कशिश वगैरह की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगा था कि वैसा कोई अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, बट समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन जीतेगा क्योंकि दोनों के बुकेस बहुत भर चुके थे। एक और एक उठा। 9 जल्दी दे। 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। ये लोग ने पूरी ताकत लगाई, जस्टिन और कशिश ने हर जोश लगा दिया, लेकिन मैं वहां से गिरा नहीं। वाओ वाओ वाओ। Look at that board. फ्लावर्स उन्होंने लगाए थे और हमने भी जो रोजेस लगाए थे बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रहे थे, एंड इट वॉज नेक टू नेक। हामिद, आमिर एंड जोशुआ, आप लोगों ने टोटल बुके में 4 रोजेस ही लगाए हैं। आज आप डेफिनेटली आइलैंड फ्लिंग पर नहीं जा रहे हो। सनी मुझे बताओ कि तुम्हारे 3 रोजेस किसे देने वाली है? The 3 roses that I'm going to give is Justin. तीन रोज हमें मिल गए थे तो मैं बहुत खुश था क्योंकि हमारे टोटल स्कोर में 3 रोज और ऐड होने वाले हैं। अंदर ही अंदर लग जाती हमारी ये भाई, और 3 रोज इसको मिल चुके, क्या होगा? अभी ऊपर वाले ही मालिक है, देखते क्या होगा। कशिश, जस्टिन एंड हनी, आप लोगों ने बुके में 31 रोजेस जो है लगाए हैं। सुनके मेरी जाती है क्योंकि ऑलरेडी जब हम डार्ट को देख रहे थे तो वो एकदम 19-20 का फर्क ही दिख रहा था, एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कमिंग टू ऋषभ, सोहेल और आगाज, ज्यादा फर्क नहीं है, आपने कुल मिलाकर अपने बुके में डाले हैं 35 रोजेस।
भाई साहब एक रोज ज्यादा, एक रोज से हम लोग जीतते, सोचो हम इतने ज्यादा खुश हो जाते भाई। मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि हमने हमारा बेस्ट दिया था एंड वी जस्ट लॉस्ट बिकॉज ऑफ वन रोज। जब ये लड़के आइल ऑफ वीनस जाएंगे, वी हैव सेट एन अमेजिंग पूल पार्टी फॉर यू गाइस, सो इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर island fling, it is going to be a island pool fling. Itna acha gift, itna acha present mil raha hai, itna acha tohfa milega abhi. I was very very excited ki finally chalo theek hai jaisi bhi chhili hui lekin body dikhane ka ek mauka milega sab ladkiyon ko. Kashish, Justin and Honey, you guys worked hard, so I would like to send one of you to the Isle of Venus. मुझको थोड़ी सी एक उम्मीद दिखी कि शायद अब मैं जा सकता हूँ, क्योंकि हनी और जस्टिन दोनों को पता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है, मुझे कितनी चोटें लगी हैं। अब विला जाकर आप तीनों डिसाइड करेंगे वो कौन होगा। मैंने कहा हनी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इस बार तूने कैसे भी लड़ झगड़ के प्यार मोहब्बत से इन लोगों को मनाना है और सीधा आई लव वीनस जाना। बाय 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 बाय। बॉयज विला आते ही शुरू हो जाता है एक नया पंचायत, और वो पंचायत था कि इन तीनों में से कौन जाएगा हमारे साथ टू द आइल ऑफ वीनस। तू बोल रहा है कि इसने ज्यादा एफर्ट डाला भाई, एफर्ट भाई, भाई, भाई टेक्निक लगाया यार। आमिर जैसा लौंडा उसको दबा देता तो एक मिनट कहीं नहीं गए थे। मैंने वो तीन एक्स्ट्रा रोज लाए थे, प्लस मैंने हामिद को इतना क्विकली क्रॉस किया था, तो मैं भी तो डिजर्विंग था यार। मैं आज ना मैं भेज देता हनी को, बट इन दोनों को ना मेरी चीज की रिस्पेक्ट नहीं है भाई, भाई जो चीज नहीं है नहीं है भाई, जो चीज मैंने करी है मुझे पता है मुझे कितना पेन है भाई। तू कर लेना इसके लिए, मुझे पता है कितना पेन है, याद रखेगा मुझे पता है कितना पेन है भाई। वो बात नहीं है, मुझे पता है मुझे कितना पेन है भाई। खराब ये लग रहा है, खराब लग रहा है। एक बार किसी ने नहीं बोला कि मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ, अगर तू चाहता है तो ये कर सकते हैं। तुमने मेरे एफर्ट्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी, और कितना मुश्किल था। नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे अपनी चीज़ को लेके, मेरा जो टास्क था जो मैंने करा उन्होंने वो चीज़ भूल गए थे, और वो इसी चीज़ पे थे कि आज तो वो ही जाएंगे। अब से तू एक घंटे से बोली जा रहा है कि भाई मैं गेम खेल के आओ, मैंने परफॉर्म करा जस्टिन करा, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। इमोशन नहीं समझ रहे। अरे इमोशन मेरी बात ठीक है, मैं तेरे को गलत कह रहा हूँ, तू नहीं बाबू भैया लड़की का चक्कर मौत को टक्कर। मेरे मन में क्वेश्चन ही नहीं था कि तुम दोनों सोचोगे भी एक सेकंड, मेरे को ये था तुम कहोगे हनी आज तेरा दिन आ गया, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि तब से कि हनी तू हमारी प्रायोरिटी है, हनी तू हमारा भाई है, तो तुम्हें मन में क्वेश्चन मार्क ही नहीं आना चाहिए था यार। यहाँ सब कहीं ना कहीं अपने लिए आए, तो अपने लिए यहाँ फाइट करनी पड़ेगी और अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और मैं अपने हक के लिए लड़ा। तेरे को अभी जरूरत ज्यादा है, तू जा। मेरा भी यही हुआ था, मेरे को लगा डिजर्विंग मैं हूं, मैं तेरे से और इससे मुझे पता है कि लड़ाई जो हम कर रहे हैं ये चीज नहीं हो, बाद में और नहीं होगी, बट ठीक है आ जा। हम तीनों में से किसी का कनेक्शन नहीं है तो वो हनी है, और मैंने अपनी अपने आप से ऊपर अपनी दोस्ती को रखते हुए ये डिसाइड किया कि चल ठीक है हनी तू जा। तो मैं अपनी टीम से लड़ धड़ के लड़कियों से फेस टू फेस मिलने वाला था, सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर नॉट ओनली आई लुक गुड बट आई शुड स्मेल गुड टू। तो मैंने लगाया Wildstone क्लासिक डियोस एंड परफ्यूम्स एंड मैं रेडी होके जाता हूँ सीधा आइलैंड फ्लेम। एंड हम बाहर गए तो पूल इतना सुंदर लग रहा था, दे वर लाइट हर जगह, बहुत अच्छा सा डिनर सेटअप था, वहाँ पे शैम्पेन थी एंड इट वाज ऑल सो फन। आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज चार लड़कों में से तीन लड़के नए थे,
Oh my God, I was so happy. Hello! मैं जैसे एंट्री करता हूँ भाई सौम्या आती है ला 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 बड़ी माइंड ब्लोइंग लड़की फसाई मम्मी कसम मैं तो गया टाई भागते हुए आती है भाई सीधा जप्ती कर लेती है मेरे को मैं इतना खुश हो जाता हूँ मतलब मैं बोलता हूँ हाय हाय ऐसा लगता है टाइम रुक जाए वहाँ पर ही मतलब इतनी मजा आ रही थी इतना अच्छा लग रहा था मुझे कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए एंड दुरुस्त आए तो आए सीधा पूल पार्टी में आए एंड वहाँ लड़कियाँ थी फुल ऑन बिकिनीज में मुझ पे नजर ना टिकाना का तो मेरी अख दा निशाना लव मी लव यू मुझे लग रहा था ये पार्टी सेटअप सिर्फ मेरे लिए करा गया है मैंने कहा भाई आज तो मतलब दावत हो गई है और मैंने कहा जो पसंद आ रही है अन्नी आज सबसे बात कर ले व्हाट्स योर नेम आकाश लीना माय वर्ड सो मच अबाउट या बहुत ही ब्यूटीफुल हॉट अच्छी लड़की दिख रही थी उसके मेरे को ड्रेसिंग सेंस बहुत ही पसंद आया था When I saw Aghaz coming in, I was so excited. I literally like left everything. You know what? I prayed that you would come through. He just gave me a smile and हमें बगल में से चलाए गए आई वॉज सो कन्फ्यूज दैट वाई डिड ही डू दैट जब वो बगल से हम गए ही स्ट्रेट वेंट टू आराधना आई फेल्ट रियली रियली लाइक सैड एट दैट टाइम आई वॉज वेरी शॉक्ड ही वॉज प्लानिंग दिस टू मीट आराधना और वी रियली हैड अ कनेक्शन बट His first priority was Aradhana. I heard that you said that you know someone called Aradhana and I was like, who is this guy? I was very confident. Today also they asked me this thing. Yeah. I told them that it's only here. I'm a one man video. One woman. I love honest people. मुझे लगा कि हम दोनों में एक spark था and it was really nice. I was really happy. जो भी वो hype हो रहा था Somewhere I felt that it was worth. Urfi, ये तेरे लिए भेजा गया है. कशिश ने भेजा है. अरे झगड़ा भी हो गया उस. Send that for me. Yes. इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना. और I was surprised कि wow, कशिश ने मेरे लिए एक locket और एक रोज भेजा है. कशिश के नाम का मंगलसूत्र. सबकी बारातें आई. कैसी लग रही हूँ मैं ये? प्यार की निशानी अपनी पहन के. बस मांग में सिंदूर की कमी है I was very happy. मतलब he thought about me कि इतना उसने सोचा साक्षी द्विवेदी Eventually, सबसे पहले मेरी बात होती है साक्षी द्विवेदी से I'm here to stay. So I'm really looking for someone जो मेरे साथ रुके यहाँ पे मैं नहीं चाहती like it's a game and we have to have a partner which is reliable, trustable. Who we can actually trust till the end. Obviously, if I'm giving my word to someone, yeah. I'm going to stick by that. That's for sure. Kya ye tum hai bata dil mein hai. I found him like really cute and sweet. Aur thoda genuine sa laga mujhe. To ho sakta hai mera isse connection ban jaye. And let's see. Hello. Mujhe gift diya hai kisi ne aapko dene. Hai. Ye. आपके लिए क्यों भेजा है? ओ मैया मैनू याद आवे आई थिंक द गाइज आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आई मीन अगर वो लोग टास्क जीत के यहाँ नहीं आ पा रहे हैं बट दे आर मेकिंग श्योर टू यू नो मेक अस फील स्पेशल समहाउ आई एक्चुअली इमेजिन यू हाँ सोहेल टोल्ड मी के उसकी आंखें ऐसी है उसकी उसके बाल ऐसे आई वाज लिटरली इमेजिनिंग यू के कैसी होगी you feel like you can see now jaisa maine socha tha usse bhi kafi zyada achi tu itni khoobsurat hai fida deedar pe tere wo sach mein bahut khoobsurat thi aur meri nazar usse hat hi nahi rahi thi wo kehte na tere chehre se nazar nahi hatti nazare hum kya dekhe kya dekhta main aur ladkiyon ko meri nazar to sirf usi par thi I really want this to be a very good bond. I'm getting that vibe from you. I'm getting so I really want to take this forward. Yeah. I will not give your place to anyone. Dost banaunga, but not that place. I really like that.
And I felt so good. Itne cute gestures, like the way aapne mujhe woo kiya hai. Without meeting, I was like, wow. बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला. सब कुछ लगा कि एक तरीके से हर चीज़ खूबसूरत दिख रही थी. You are my star, so this is a star for you. Oh my God! Breathe you in, breathe you out, suffocate when you're not near me. You've been pulling me like gravity. It was all really cute. I felt really special. Hai pehla tera mera pyaar. I tell you about myself. I'm a honest, straightforward guy. मेरे को इधर उधर फ्लिप करना नहीं आता. मैं वन साइड खेलने वाला बंदा हूँ कि मेरे से भिड़ा तो भिड़ा, मैं पूरे विला से भिड़ जाता हूँ. ऐसा वाला इट्स लाइक गिव मी अ चॉकलेट आई विल गिव यू अ चॉकलेट, गिव मी अ स्लैप आई विल, ऐसा वाला सीन है मेरा. तो वो बहुत ही डायरेक्ट है, उसको क्या करना है उसको पता है, जैसे मेरे है. तो ये चीज़ मुझे हनी की बहुत अच्छी लगी. लिसन, अगर तुम नहीं जाओगी अपने बंदे से बात करने, no, it's up to him. I don't give a... His first priority was Aradhana. I was literally so mad because I was waiting for him the whole night thinking he will come and he didn't even talk to me for 2 minutes. मैंने देखा श्रेया जो थी वो ऑलरेडी बहुत ही भड़क चुकी थी क्योंकि उसने देखा मैंने उससे ढंग से मिला भी नहीं और मैं सीधा आराधना के पास चला गया. मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं की कि ऐसा है वैसा है ना मेरे लिए इंटरव्यू. And why did you give the rose to me? आपके सामने भी ये चीज़ बोली है कि मैं मिलूंगा लोगों से उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा. I wanna tell you कि ड्यूरिंग द डेट टाइम इवन वेन वी इन द विला when Somya went to the dorm session first, it's only Agaz and Aradhana, Agaz and Aradhana, Agaz and Aradhana. Despite that, I gave you a rose. Just keep that in your head. I know that, but... You can talk to her now. Thank you. No problem. I ain't an option for anyone. No one at all. If a guy gives you an option, he is done for me. If next time you need me, I ain't performing. And you can see Aradhana, how she performs. I mean, I performed a task and I went and met the boys. She didn't even. So, good luck, Agaz. I just can't. You have to. I'm not going to go and stop. Otherwise, you'll be left alone. How to approach people. I'll just sit in one place and wait for people to come approach me. Then I'll be like, they have all come. You pack your saman. Don't say that. So, you know, you have to take... Okay, when I get the chance to talk to someone. No, you can't wait for the chance. You have to go and get your chance, baby. I was thinking ki I need to try to talk to some guy. Main bahut shy hai ladko baat karne ke. So I was feeling really nervous to talk to any guy. I'm writing a note and sending him. To fir humne socha ki yaar ladko ne bheja hai chocolate banana dima ka hum bhi bhej dete hain bhai ek letter. To humne fir likhna shuru kiya. So me and Kashish, we wrote a letter for कशिश एंड जोशुआ. और हम लोग को देख के फिर सोन दोस्त ने भी एक लेटर लिख के हामिद को भेजा. हेलो सर, शी दे आर माय फ्रेंड्स एज वेल नाउ. दैट्स सो कूल है. अच्छा हां, तो फुल व्हाट हैपेंड फ्रॉम डे 1 आई वाज क्लियर दैट इट्स आराधना. शी हैज बीन पुटिंग इन सो मच एफर्ट. नो आई थिंक वो पगला बनाई थी हमें द फर्स्ट डेट में. ओके दैट्स पीजी हिंदी. या पीजी हिंदी. Is born mix of Hindi and Bhojpuri. Cute hai. And Fiji. I am from UP by the way. What do you mean? What? Which city? I am from Mirzapur. Bhai, I am from Varanasi. Shit, dude. What? Yaar. She belongs from the very same place. Yani hamara hometown tha same. Aur ye sunne ke baad to mujhe कहते हैं ना स्विच ऑन, ये मोड पे मैं चला जाता हूँ कि नहीं भाई, इस बंदी से मेरी वाइब मैच होने वाली है. बिकॉज हमारा जो एक कहते हैं ना यूपी वाइब वॉज देयर. वैसे एक बात बताओ. हाँ. मुझसे तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो. क्योंकि मेरे को बताया ना, तू दिल में बैठी. क्या फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती है? मैं आया था तो लिखने लगी खत अपना. मैंने कहा पहले प्यार भरा खत. नहीं नहीं, लिख लिया है. अब तू बता क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है. इसकी लैशेस कितनी प्यारी है, देखा तुमने? लैशेस पे अभी बंदा प्यारा है, मैं प्यारा हूँ, तुम प्यारे हो, सब प्यारे हैं. अभी तुम्हें कौन पसंद आई लड़कियाँ? डू यू हैव टाइम फाइनली? ये अच्छी लगी लीना, मेरे को हॉट लगी. कहीं ना कहीं हमारी कन्वर्सेशन एक नोट पे जा रही थी तो मुझे लगा यार ये मेरा आइडल मैच हो सकता है. वहाँ देखो, वहाँ तो पूरा का पूरा यही हनीमून मनाएंगे. दूध का गिलास ले जाओ. Look at the level they reach. इतना अच्छा लग रहा है. I'm having such a nice time. सच्ची आंखें नहीं दे. मुझे नहीं पता इन्होंने कनेक्शन बनाया या नहीं बनाया, मगर एक चीज़ तो श्योर थी कि मेरा कनेक्शन बहुत मजबूत हो गया है.
पूल पार्टी चली रही थी और इसी बीच हमारे सामने आता है स्क्रोल, और जब भी स्क्रोल आता है तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न जरूर लेकर आता है। हेलो स्प्लिट्स विलेंस, टुनाइट इज योर लकी नाइट एंड थ्री ऑफ यू बॉयज विल गेट अ चांस टू स्टे बैक एट द आइल ऑफ वीनस टुनाइट। इस कपल्स चैलेंज का नाम है मुझे रंग दे। साक्षी बॉडी से लगाना है, 10 बार नहीं बोलेंगे एक ही चीज। अरे एक दूसरे को क्यों धक्के मार रहे हो? मुंह पे मार रहे हो? You said कि उर्फी तो इस सीजन में 4-5 लड़के घुमाएगी। ये सच है, बात एक्चुअल में हुई है। गाइस भाई सुन, एक बार मेरी बात सुन, बुल्ला के बात बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठा हुआ बैठा रहे। उर्फी टेल मी वन थिंग, ये चीज अगर मैं सच में जाके चिपक जाऊं तो बोलो। उर्फी वी आर डिफरेंट पर्सनालिटीज इन दैट वे, आई डोंट वांट टू बी विद यू, नो प्रॉब्लम, सेम, आई एम डन। Fully Paltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel, Fully Paltu.